क्या बना रही है? वैसे मानना पड़ेगा, तू इतनी घटिया ड्राइंग बना कैसे लेती है? जान ले लूंगी वापस से। क्या बात है, इसकी नाक इतनी ऊंची क्यों बनाई? अपनी शक्ल याद कर रही थी क्या तू? आगे क्या बनाया देखते हैं। ओए होए, नहीं 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 नहीं, मत देख प्लीज। तूने अपने आप को ही बनाया ना? उन हुआ उन हुआ, नाम भी अच्छा है, ड्रॉइंग भी सही है। मेरा नाम उनहु है। अरे लंबी नाक वाली उन हुआ। सुन, ये मैं नहीं हूँ। अगर हो तो भी क्या, एक किताब ही तो होगी। लानत है, एक घंटा हो गया तुम अंदर ही हो। कितनी सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या कर रहे हो तुम अंदर? बाहर निकलो यार, कितनी गर्मी है, कितना पसीना आ रहा है। ओह माय गॉड, दोस्तों को तो ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई बेकार कैन को लात मार दी हो। अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये किसने किया? कौतुक जी तूने? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। इस सांड को मारने की क्या जरूरत थी? दिमाग खराब है ना तेरा? तूने जानबूझ के मारा? हाँ क्या, मैं भले तुम्हें जानबूझकर क्यों मारूंगा बताओ? अच्छा हुआ जो मैं गिरने से बच गया, तुझे तो मैं आगे से ध्यान रखना वरना तुझे मार डालूंगा। सॉरी, तू जोर से मारी है ना? चाचा मोनो कहीं के तेरे को छोड़ जाने का नहीं है। तू सुधरेगा नहीं। हाँ, यू आर द बेस्ट। कोडोंचे टेंशन हो रही है, फिर से फर्स्ट आ गया। और तो क्या कर रहे हो? क्या तुम ऐसी कर रहे हो? मैं पागल हो गई हूँ। अच्छा, तुम्हें कब से एग्जाम्स की टेंशन होने लगी? ये सब ठीक है। मुझे हैंकॉक यूनिवर्सिटी, मुझे हैंकॉक यूनिवर्सिटी जाना है। देखो जोर से मत बोलो, सबको पता चल जाएगा। तुम कौन सी डिवीजन में हो? मैं डिवीजन 6 में हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम तंदूरी टिक्का भी बन जाओगी तब भी कुत्ते तुम्हें नहीं देखेंगे। तो अगर तुम स्कूल के डिवीजन 6 में हो तो हम भी ये भूल जाएंगे कि तुम एक इंसान हो। क्लास में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इंसान टिक्के नहीं होते हैं, कुत्ते का खाना। कमीना साला, उसको मौत के टिक्के खाने हैं क्या? हाँ, 6 डिवीजन में होना कोई गुनाह है क्या? देखो नो, उसकी बात को दिल पर मत लगाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। चल मार, हाँ चल मार, ठीक है? मैं ठीक हूँ सच में। ओह, पर अगर मेरी बेइज्जती हुई है तो धीरे नहीं बोल सकती हो तुम? चुप रहने में भलाई है। उन्हों, लगता है तुम हैंकॉक जा पाओगी। अरे लोगों का ये मजाक। इसकी जल्दी ठीक होने का मंत्र है ये, खासकर मर्दों के लिए। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? थी, आसपास के सारे लोग मिलने आए हैं। आ जाओ आ जाओ। अब क्या हाल है बच्चे? क्या कर लिया तुमने? बाप रे, देखो देखो तो जरा, यहाँ इन सबको क्यों बुला लिया? शादी और इंतकाल के साथ साथ यहाँ हॉस्पिटल जाकर भी मिलना उतना ही जरूरी है। क्यों? क्या पता मरीज बचे या ना बचे, इसीलिए आखिरी बार देखने आ जाते हैं। चलो अच्छा हुआ मेरे मुंह में छाले हैं, अभी मैयत का खाना भी नहीं खा पाता। उन्हें खुशी है कि तुम बच गए, उनकी आंखें आंसुओं से भरी। शुक्रिया, मैयत के लिए छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इनका काम में दिल नहीं लगता। थैंक यू। योंगियों के पापा भी बोल रहे थे वो ठीक है, फिर अचानक ही वो चल बसे। इसका मतलब है कुछ दिन अपना पूरा ध्यान रखना। डर से सांस फूल रही थी, क्या बताऊँ मेरा पूरा गला ही सूख गया। इसका मतलब है उन्हें बड़ी प्यास लगी है। तो ये पी लीजिए ना। ला ला ला, सब पी लेते हैं। वाह भाई, हॉस्पिटल हो तो ऐसा। इसका मतलब ये कल फिर आएंगे। मेरा निकनेम पता है आपको? पागल कुत्ता, जिसे एक बार पकड़ लूं छोड़ता नहीं, इसे भी छोड़ने वाला नहीं। मुझे तो लग रहा था कि पागल कुत्ता बस मुझे ही काटे जा रहा है। अरे मेरा फोन, ये तो टूट गया। मर गया। कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगता है हम उस चड्डी चोर को पकड़ने वाले डिटेक्टिव हैं? अब चड्डी चोर किसे बोल रहे हो? तुमने
औरतों वाली चड्डी क्यों पहनी है? उसने किसी को बताने से मना किया था। चुपचाप हमें बता दो वरना हम ये सबको बता देंगे। किसी ने मुझे दी थी। किसने? ये तुमने उसे दी थी? हाँ। मर्दों को औरतों के कपड़े क्यों दे रहे हो? हाँ, उसकी यंग एनर्जी ज्यादा थी इसलिए चड्डी दिया ताकि यंग एनर्जी उसे बैलेंस कर सके। तुम्हें औरतों की चड्डी कहाँ से मिली? ये तो पुरानी है। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं से चुराई तो नहीं? इसे मैं ही पहना करता था। उसे झूठ बोलकर बेच दी थी। पैसों के लिए कभी कभी खर्चा पानी के लिए ये भी करना पड़ता है। खर्चे पानी के लिए तो मैं भी पुलिस में हूँ इसलिए तुम्हारी हालत अच्छे से समझ रहा हूँ। सिस जाओगी कॉमिक के लिए, मार्क्स आते नहीं। कॉमिक्स नहीं मॉम, वेबटून्स। उनकी वजह से मैं कॉलेज जाऊंगी, वो भी हांगकॉक यूनिवर्सिटी। उन्हों, तुम्हारे बड़े सपने जानकर अच्छा लगा, लेकिन कल मेंटल हॉस्पिटल चल रहे हांगकॉक जाएगी। माँ जल्दी ये बोलेगी सियोल जाना है। ए। और ये जनाब दो दिन से यहीं पड़े हैं। तुम्हारे कॉमिक क्लासेस के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं बोलो? पता नहीं, अगर मैं अच्छे कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मुझे प्यार नहीं होगा और ना ही कभी शादी होगी। हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाऊंगी सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या बात कर रही हो तुम? मेंटल हो गई है। मैंने क्या सुना? क्या उन्हों शादी करना चाहती है? मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? हाँ, मैंने क्या पाप किया जो तुम लोग मिले? लाओ दो मुझे, वो मेरी है। शनिवार वो दोनों मेरी है। जरा शक्ल को देखो, कितना भोला लग रहा है और काम ऐसे। ये चीता प्रिंट वाले अंडरवेयर कहाँ से उड़ाए? जहाँ तेंदू का पेड़ है, उनछिल का घर। और पोलका डॉट वाली राइस केक बनाने वाले जियोंग के घर से। तुमने तो हद ही पार कर डाली, बुढ़ियों के अंडरवेयर भी नहीं छोड़े तुमने। तो जैसा बेशर्म आज तक नहीं देखा। ये किस बुढ़े के अंडरवेयर चुराए तूने? छोड़ो उसे, कानून हाथ में मत लो। बताओ ये कौन से बुढ़ी के थे? आज तुम्हें बाल बाल बच गई। सुनो ये भी लेती जाओ, गिफ्ट दे रहे हैं। मुझे क्लास जाना है, तो ठीक है ना? मुझे भी जाना है हांगकॉक। मैंने अंडरवेयर ऊपर सूखने के लिए डाला था पर वो गायब हो गया। ये दूसरी बार हुआ है। देखो बात समझो, मैंने पूरे 39,900 वॉन देकर पिछले हफ्ते रेनबो के रंग वाले अंडरवेयर ऑनलाइन मंगवाए थे, लाल संतरी पीला, पीले रंग वाला गायब हो गया। समझ में आया? बुधवार वाला गायब हो गया है और आज बुधवार है। कुछ समझ में आया? मतलब आज मैंने सुनिए बॉस, बैठिए, आइए आइए। मुझे काम पर लगाकर खुद भाग गया, क्या बात है। आज मेरा एक अंडरवेयर खो गया। मैं समझा नहीं। पता है ना आज बुधवार है, किसी चोर ने मेरा पीला अंडरवेयर चुरा लिया, इसीलिए आज मैंने कुछ बस। एवेंजर्स है ब्रो। मुझसे पूछेगा तो ये सब बचकानी हरकतें हैं यार, फालतू की। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मानो तो शायद इसमें अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है ना? मैं बहुत स्मार्ट हूं ना? चल पहले तू अपना दूध खत्म कर, बाकी बातें बाद में करते हैं। ऑफिसर्स, एक नया केस आया, चलो उठो जल्दी चलो।
ये कौन सा केस है? एक के बाद एक सब गायब हो रहे हैं। चलो 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 चलो। आपने तो कहा था कि गायब होने का केस आया है। कल जितनी गायब हुई थी आज उससे कई ज्यादा चट्टियां गायब हो गई। गायब होने की बात करता था। वो वारदात इसी रस्सी पर हुई थी। शुक्रवार वाला अंडरवेयर मैंने इसी रस्सी पर सुखाया था और अभी देखा तो गायब हो गया। और ये क्या है, शनिवार वाला और इतवार वाला कहाँ गया? किसी ने वो भी चुरा लिया है। मेरे तो अब तक 3 जोड़ी चोरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? इतना बेरहम चोर है, मतलब इस पूरे हफ्ते में मैं कुछ भी नहीं। बस रुक जाओ। अयोध्या घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन जुम्मुक पर भरोसा रखिए। मैं उस कमीने को पकड़ लूंगा और अगले 7 जन्म उससे वहाँ कच्छे धुलवाऊंगा। ये हुई ना बात। ऐसा हुआ तो मजा आ जाएगा। सिक्योरिटी और डैशबोर्ड कैमरा से कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। जब तक हम चोर को पकड़ नहीं लेते तब तक हमें से कोई घर नहीं जाएगा। अरे किसी चड्डी चोर को पकड़ने के लिए रात भर जागने को बोल रहे हैं? बिल्कुल सही सुना। बिना चड्डी के दिन गुजारा है कभी? सब सुना सुना लगता है, बेकार सा, चिप चिप लगता है, एकदम जान से निकलती है।